नमस्कार दोस्तों, मैं कैलाश, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल GSKT कैलाश सर में स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, डेली शाम को 6 बजे आपके लिए GS की प्रैक्टिस सीरीज लाई जाती है और रात को 9 बजे एक स्पेशल सीरीज लाई जाती है। तो इन सीरीज से जुड़ना ना भूलें, इसलिए आज हम 38वीं क्लास में क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। तो GS प्रैक्टिस की जो सीरीज है, आज हम इसका 38वां चैप्टर जो है लेखपाल मुख्य परीक्षा को ध्यान में रखते हुए डिस्कस करने वाले हैं। चलिए सेशन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पोषक तत्व प्रति ग्राम ऊर्जा अधिकतम ऊर्जा संग्रहित करता है? निम्नलिखित में से कौन सा पोषक तत्व जो है प्रति ग्राम अधिकतम ऊर्जा संग्रहित करता है? तो यह होता है वसा। वसा जो है प्रति ग्राम अधिकतम ऊर्जा संग्रहित करता है। महिला गोल्फर लेडीज यूरोपियन टूर LET का खिताब जीतने वाली सबसे कम उम्र की महिला कौन है? तो महिला गोल्फर लेडीज यूरोपियन टूर LET का खिताब जीतने वाली सबसे कम उम्र की महिला है दीक्षा डागर। भारत में अदरक का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो भारत में अदरक का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा हो जाता है? आंसर होगा आंध्र प्रदेश। इनपुट डिवाइसेस का उदाहरण है, निम्नलिखित में से कौन है जो इनपुट डिवाइसेस का उदाहरण है? तो माउस, ट्रैकबॉल और जॉयस्टिक, ये सभी जो हैं किस प्रकार के डिवाइस हैं? ये सभी इनपुट डिवाइसेस हैं, तो इसलिए आंसर होगा डी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित स्थानों में से गदर आंदोलन कहाँ प्रारंभ हुआ था? तो हम जानते हैं 1913 में गदर आंदोलन जो है ये संयुक्त राज्य अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में चलाया गया। इसकी शुरुआत कहाँ से होती है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को, और ये कब चलाया गया? तो 1913 में। छठवां क्वेश्चन, कांग्रेस के नरम दल और गरम दल समूहों के बीच विभाजित हो जाने के बाद निम्नलिखित में से किस नेता को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नरम दल का भाग माना जाता है? गरम दल और नरम दल ये कब अलग हुए थे? तो 1907 के सूरत अधिवेशन में ये दोनों अलग हो गए थे, इसे सूरत विभाजन के नाम से भी जाना जाता है। और इसकी अध्यक्षता, इस अधिवेशन की जो अध्यक्षता की गई सूरत अधिवेशन की, वह रास बिहारी बोस के द्वारा की गई थी। क्वेश्चन पूछा गया है, किस नेता को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नरम दल का भाग माना जाता है? तो गोपाल कृष्ण गोखले थे, ये नरम दल का भाग थे, जबकि लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल, इन्हें लाल, बाल और पाल के नाम से जाना जाता है। तीनों ही गरम दल के नेता थे। ये किस प्रकार के नेता थे? तीनों ही गरम दल के नेता थे। तो क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा छठवे का बी। नरम दल का भाग कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। अन्य तीनों जो थे यह गरम दल का हिस्सा थे। चलिए देखेंगे अगले क्वेश्चन को। निम्नलिखित में से अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना जो है किसके द्वारा की गई? तो सैयद अहमद खान के द्वारा अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। आठवां क्वेश्चन, 15वीं-16वीं शताब्दी के दौरान वाणिज्यिक व्यापार के लिए आमतौर पर हुंडी का इस्तेमाल किया जाता था। हुंडी का क्या तात्पर्य है? पूछा गया हुंडी क्या होता था। तो 15वीं-16वीं शताब्दी में वाणिज्यिक व्यापार के लिए आमतौर पर हुंडी का प्रयोग किया जाता था, और यह हुंडी क्या था? सामान खरीदने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली मुद्रा का रूप, धन रखने के लिए प्रयुक्त एक प्रकार का बैंक, बाजार जहां सामान्य की अदला बदली की जा सकती थी, या फिर विनिमय पत्र। तो हुंडी जो होता था यह एक विनिमय पत्र होता था। हुंडी क्या होता था? एक विनिमय पत्र जिससे लेन देन संभव हो सके। निम्नलिखित में से किसे लोकप्रिय रूप से प्राचीन भारत के नेपोलियन के नाम से जाना जाता है? नेपोलियन बोनापार्ट जो है एक प्रसिद्ध योद्धा रहे हैं फ्रांस के। तो कई सारे यूरोपीय इतिहासकार हैं जब किसी महान योद्धा को देखते हैं तो उससे तुलना कर देते हैं। तो पूछा गया प्राचीन भारत का नेपोलियन किसे माना जाता है? तो प्राचीन भारत का नेपोलियन जो माना जाता है किसे माना जाता है? यह समुद्रगुप्त को माना जाता है। प्राचीन भारत के नेपोलियन के नाम से हम समुद्रगुप्त को जानते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, भारतीय सुधारकों द्वारा आरंभ किए गए सीधे आक्रमण से प्रभावित होकर निम्नलिखित में से किसने सती प्रथा के उन्मूलन का नेतृत्व किया? तो सती प्रथा का ख़त्म करने में योगदान किसने दिया था? तो राजा राममोहन राय ने। राजा राममोहन राय के प्रयासों से 1829 में सती प्रथा पर रोक लगा दी गई। एक कानून बनाकर, एक अधिनियम बनाकर इस पर रोक लगा दी गई थी। और यह अधिनियम किस वायसराय के समय बनाया गया? तो
राजा राममोहन राय के प्रयासों से 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिक ने एक अधिनियम बनाकर सती प्रथा पर रोक लगाई। मॉन्टेग्यू घोषणा 20 अगस्त 1917 के संबंध में क्या सही है? मॉन्टेग्यू घोषणा कब हुई? 20 अगस्त 1917 में होती है और इसके संबंध में क्या सही है? 1919 की अधिनियम की आधार बनी, भारतीयों के प्रति ब्रिटिश नीति उजागर हुई, प्रशासन में भारतीयों की भागीदारी स्वीकार की, तीनों ही ठीक हो जाते हैं। भारतीय जो आंदोलन करे जा रहे थे, कई काफ़ी सारे आंदोलन किए भारतीयों ने, तो इसी आधार पर देखते हैं कि मॉन्टेग्यू घोषणा जो की गई यह होम रूल आंदोलन के बाद में की गई थी। होम रूल आंदोलन जो 1916 से शुरू हुआ उसके बाद में इसकी घोषणा कर दी गई थी और इसके संबंध में तीनों ही कथन ठीक हो जाते हैं। यही घोषणा 1919 के अधिनियम का आधार बनी जिसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जाना जाता है। भारत के प्रति ब्रिटिश नीति उजागर हुई और प्रशासन में भारतीयों की भागीदारी स्वीकार की। आंसर होगा उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अधिनियम की प्रस्तावना का मुख्य प्रावधान क्या था? तो 1919 का जो अधिनियम आया इसकी प्रस्तावना का मुख्य प्रावधान क्या था? भारत ब्रिटिश साम्राज्य का अभिन्न अंग रहेगा, केंद्रीय सरकार की सर्वोच्चता के साथ सत्ता का विकेंद्रीकरण, उत्तरदायी सरकार का धीरे धीरे विकास। तो इस प्रकार हम देखेंगे आंसर क्या हो जाएगा। 1919 के अधिनियम में उपयुक्त सभी, आंसर होगा उपयुक्त सभी। भारतीय स्टेट बैंक का पुराना नाम 1955 से पूर्व क्या था? तो भारतीय स्टेट बैंक का जो पुराना नाम था 1955 से किस नाम 1955 में इसका राष्ट्रीयकरण किया गया यानी नेशनलाइजेशन हुआ, इससे पहले इसे किस नाम से जाना जाता था? तो इससे पहले इसे इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता था। 1921 से ही इसे इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता था। भारत में निम्नलिखित में से किस उपज का उत्पादन रबी व खरीफ के तहत होता है? तो भारत में किस उपज का उत्पादन जो है रबी व खरीफ के तहत होता है? अभी आप लोगों के लिए एक मिनट की एक वीडियो बना के जो है फसल से संबंधित वीडियो बनाई गई है जो आपको इसी चैनल पर देखने को मिल जाएगी, आप उसे ज़रूर देखें। उसमें हमने मात्र एक मिनट में रबी खरीफ और जायद की फसलों का वर्गीकरण और उनका समय यानी इनसे संबंधित पूरी जानकारी को शेयर किया है। तो सभी लोग एक मिनट की उस वीडियो को ज़रूर देखेंगे, फसल चक्र के नाम से आपको इसी यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगी वो। आंसर होगा उपज का उत्पादन रबी व खरीफ दोनों के तहत होता है, तो आंसर होगा ए मक्का। मक्का जो है रबी व खरीफ दोनों के अंतर्गत आती है। उत्तर प्रदेश विधानसभा में कितने सदस्य हैं? उत्तर प्रदेश विधानसभा में सदस्यों की संख्या पूछी गई है, तो आंसर होगा बी 403 निर्वाचित होते हैं और एक सदस्य जो है नामित किया जाता है। निम्नलिखित में से किसने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की? तो 1916-17 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय BHU की स्थापना मदन मोहन मालवीय के द्वारा की गई। निम्नलिखित में से कौन पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उदाहरण है? इनमें से कौन है जो पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उदाहरण है? शरीर के अंदर लेजर किरण भेजने में, प्रकाश सिग्नलों के दूरसंचार में, नहीं दोनों ही गलत होंगे। तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन से संबंधित दो एग्जाम्पल और दिए हैं, उन्हें देख लेते हैं। दो ऑप्शन और दिए हैं, मनुष्य के शरीर के आंतरिक भागों का परीक्षण करने में, ये भी क्या हो जाएगा गलत, एक बार देखते हैं, सॉरी ये भी क्या हो जाएगा ठीक। तो ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। इसके संबंध में जो ऑप्शन दिए गए हैं क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उदाहरण है? तो शरीर के अंदर लेजर किरणों को भेजने में ठीक, प्रकाश सिग्नलों के दूरसंचार में ये भी ठीक हो जाएगा, और मनुष्य के शरीर के आंतरिक भागों का परीक्षण करने में, तो ये भी क्या होगा, ये भी ठीक हो जाएगा। तो आंसर होगा डी उपयुक्त सभी। पूर्ण आंतरिक परावर्तन जिसे मृग मरीचिका के संबंध से भी समझा जा सकता है, तो आंसर होगा डी उपयुक्त सभी। रोलेट एक्ट के संबंध में क्या सही है? रोलेट एक्ट के संबंध में क्या सही है? रोलेट एक्ट जस्टिस रोलेट कमेटी की संस्तुति पर बना था, यह सरकार के विरुद्ध प्रदर्शन करने की अनुमति देता था, नहीं यह ऐसा कानून था जिसमें किसी व्यक्ति को संदेह के आधार पर गिरफ्तार कर लिया जाता था और उसे कोई भी अपील करने का अधिकार नहीं था। तो इसे बिना अपील, बिना वकील और बिना दलील वाला कानून भी कहा जाता है। तो काला कानून की संज्ञा दी गई थी।
तो सरकार का विरुद्ध प्रदर्शन करने की अनुमति नहीं देता था। इसने भारत में प्रेस की स्वतंत्रता स्थापित की नहीं, यह बंगाल के विभाजन के लिए उत्तरदायी था। नहीं, बंगाल विभाजन इससे पहले हो चुका था। रोलेट एक्ट कब आया? 1919 में। रोलेट एक्ट था जो कब आया? 1919 में। तो आंसर क्या हो जाएगा? यह रोलेट एक्ट जस्टिस रोलेट कमेटी की सुस्तरी पर बना था। आंसर होगा ए। ईमेल प्राप्त करने के लिए कौन सा प्रोटोकॉल उपयोग में आता है? ईमेल प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटोकॉल है जो उपयोग में आता है? तो आंसर होगा POP3 प्रोटोकॉल। भारत कहाँ स्थित है? 20वां क्वेश्चन, भारत कहाँ स्थित है? तो भारत जो है यह उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। आप देखेंगे इस टाइप से हम वर्ल्ड का जब मैप बनाते हैं, ये सॉरी ग्लोब बनाते हैं, इस तरीके से ग्लोब बनाया जाता है, तो ये भूमध्य रेखा हो जाती है। और भारत कहाँ स्थित है? तो भारत जो है उत्तरी गोलार्ध में। भारत ऊपर की तरफ है, तो इस कौन सी दिशा होती है? ये उत्तरी गोलार्ध, इसको उत्तरी गोलार्ध कहा जाता है। और नीचे वाले भाग को जो है दक्षिणी गोलार्ध के नाम से जाना जाता है। तो भारत कहाँ स्थित है? आंसर होगा बी, उत्तरी गोलार्ध में। पारिस्थितिकी तंत्र के जैविक घटकों में कौन उत्पादक घटक है? पारिस्थितिकी तंत्र के जैव घटकों में कौन उत्पादक घटक है? तो आंसर होगा सी, हरे पौधे। आंसर क्या हो जाएगा? हरे पौधे उत्पादक घटक है। पारिस्थितिकी का अन्य नाम वैज्ञानिक प्राकृतिक इतिहास किसने दिया? पारिस्थितिकी को दूसरा नाम दिया गया वैज्ञानिक प्राकृतिक इतिहास, और यह किसके द्वारा दिया गया? तो चार्ल्स एल्टन के द्वारा यह नाम दिया गया। अगला क्वेश्चन, भारत का दक्षिणतम बिंदु क्या है? तो हम जानते हैं भारत का जो मुख्य भूमि का दक्षिणी बिंदु है वो है कन्याकुमारी, और भारत का दक्षिणतम बिंदु होता है यह होता है इंदिरा पॉइंट, जो ग्रेट निकोबार में स्थित है। आंसर होगा 23वें का ए, इंदिरा पॉइंट। क्षोभ मंडल की मोटाई कब बढ़ जाती है? अगला क्वेश्चन, क्षोभ मंडल की मोटाई जो है कब बढ़ जाती है? तो यह गर्मियों में बढ़ जाती है। कौन सा देश पाक जलडमरू मध्य से जुड़े हैं? तो पाक जल संधि या पाक स्टेट काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। यह किन देशों के मध्य स्थित है? तो भारत और श्रीलंका। आंसर होगा, देखिए पाक जलडमरू मध्य है, लेकिन ये किसके बीच स्थित है? पाक जल संधि, भारत और श्रीलंका। यहाँ पाक से मतलब पाकिस्तान वाला पाक नहीं है, इसे इंग्लिश में जो नाम दिया जाता है PALK, तो यह पाक जल संधि है PALK। तो दोस्तों ये सीरीज आपके लिए डेली शाम को 6 बजे, जबकि एक स्पेशल सीरीज जो है रात को 9 बजे लाई जाती है। और अभी हम उस स्पेशल सीरीज में हमने हाल ही में स्टेटिक जीके को कवर किया है मात्र 9 क्लासेस के माध्यम से, और उसकी प्लेलिस्ट बनाकर सेव कर दी गई है, आप उन्हें देख सकते हैं, आप उनसे आंसर कर सकते हैं और उन्हें सीख सकते हैं। तथा अभी जो हम पढ़ रहे हैं तो उसमें प्रीवियस ईयर पेपर्स को पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने UPPCS का प्री जो 2022 में हुआ है 12 जून 2022 को उसे डिस्कस किया। उसके बाद हम लेखपाल मुख्य परीक्षा के कुछ एग्जाम्स हैं उन्हें डिस्कस कर रहे हैं। इसके बाद हम सीरियल से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की सीरीज में ही UPSI, UP पुलिस, SSC CGL, SSC CHSL, इस प्रकार आर्मी, नेवी, एयरफोर्स सभी एग्जाम्स को बारी बारी से सॉल्व करते रहेंगे। जिस प्रकार एग्जाम आता जाएगा उस तरीके से उसे डिस्कस करते रहेंगे। तो इस चैनल से जुड़ने के लिए सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और अधिक से अधिक वीडियो को शेयर कर देंगे, जिससे बाकी लोग भी इससे जुड़ पाएँ। आपका एक शेयर, आपका एक लाइक हमें मोटिवेशन देता है आपके लिए इस प्रकार की और भी वीडियो बनाने के लिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में रात को 9 बजे। गुड इवनिंग, शुभ संध्या।